नमस्कार, हिन टाइम मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। मौसम की ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जिले के मौसम की जानकारी के लिए कमेंट करें। उत्तर भारत समेत देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज 19 मई से लेकर के 23 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू अपने तीखे तेवरों से आगाज करेगी। हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। IMD के मुताबिक एक और ताजा पश्चिमी क्षोभ 23 मई को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से एक बार फिर से उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक बार फिर से 23 से लेकर के 28 मई के दौरान फिर से हवाओं की दिशा बदल जाएगी। पूरे इलाके में तेज गति से हवाएं, अंधड़ चलने और हल्की से मध्यम बारिश, साथ ही साथ एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना भी बन रही है। पूरे मैदानी राज्यों में मई महीने में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस साल नौतपा भी पूरे इलाके में नहीं तपेगा। इसके अलावा हिंद महासागर का भीषण तूफान मानसून को कर सकता है लेट। कई राज्यों में धूलभरी आंधी के साथ बारिश का भी अलर्ट। अरब सागर में एक प्रति चक्रवाती सर्कुलेशन हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। हिंद महासागर में भीषण तूफान फेबियन बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों के चलते मानसून भारत की तरफ आने में देरी भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के 4 जून को केरल पहुंचने की संभावना है। यह अपने समय से 4 दिन की देरी से पहुंचेगा। माना यह भी जा रहा है कि इसे 1 जून को केरल में दस्तक दे देनी चाहिए थी। देश भर के पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ओडिशा राज्य में आज केंदुझरगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, नयागढ़, कटक, भुवनेश्वर, मयूरभंज, देवगढ़, फुलबनी, संबल, इन इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। झारखंड राज्य के भी अलग अलग इलाकों में बिजली की गरज चमक के साथ में बारिश की उम्मीद है। पश्चिमी बंगाल राज्य में भी आज जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, कूचबिहार, दिनाजपुर, मालदा, वर्धमान, वीरभूम, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, इन इलाकों में तेज आंधी अंधड़ के साथ में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी आज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। आंध्र प्रदेश राज्य में भी गंटूर, प्रकाशम, कृष्णा, गोदावरी, विशाखापत्तनम में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी भारत में भी बेंगलुरु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सप्ताह के अंत तक गर्मी से राहत मिल सकती है। इन इलाकों में 21 और 22 मई को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए आंधी, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की है। इसी तरह की चेतावनी 22 मई को भी तटीय क्षेत्रों के लिए जारी रहेगी। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।